नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के शरण में हैं। पीएम मोदी 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर है। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पीएम ने रुद्राभिषेक कर देश की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। शाम की आरती में भी पीएम हिस्सा लेंगे, तो वही मंदिर परिक्रमा के बाद पीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद पीएम ध्यान गुफा में साधना करेंगे, तो वहीं 19 मई को बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। इसी दिन देश की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कई बार केदारनाथ और बद्रीनाथ जा चुके हैं। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर हैं, तो वहीं कल 19 मई को वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 19 मई को ही देश भर में 7वें चरण का मतदान होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो अब ध्यान गुफा में ध्यान करेंगे। तो वहीं अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि चुनाव के अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग से पहले केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। बाबा केदारनाथ में दर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राभिषेक के लिए कर देश की खुशहाली और मन्नत मांगी, तो वहीं शाम की आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि आ रही है जोधपुर से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, आज दोपहर में विशेष विमान से पहुंचेंगे जोधपुर। पूर्व विधायक भंवर बलई के निधन पर जताएंगे शोक, दिल्ली से पहुंचेंगे जोधपुर और शाम को जयपुर लौटने का है कार्यक्रम। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच पहुंचने का है कार्यक्रम। आपको बता दें कि आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पूर्व विधायक भंवर बलाई के निधन पर सीएम गहलोत शोक जताएंगे, तो वहीं दिल्ली से जोधपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वापस जयपुर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। आपको बता दें 12:30 बजे से 1 बजे के बीच जोधपुर पहुंचने का सीएम गहलोत का कार्यक्रम है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मनोहर सिंह। जी मनोहर, आज सीएम गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी आरती, बिल्कुल बता दूं कि पूर्व विधायक भंवर बलई का देहांत हो गया है, उसको लेकर उनकी अंतिम यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए आज अशोक गहलोत जोधपुर आ रहे हैं और करीब 12 से 1 बजे के बीच जोधपुर पहुंचेंगे। जी और जी मनोहर, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम गहलोत का? जी पूर्व जैसे चीफ जस्टिस का जो देहांत हुआ था उनका भी आज उठावना है गीता भवन जोधपुर के अंदर, वहां भी शिरकत करेंगे गहलोत आज, और इसके अलावा कहीं और भी स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। जी है जी मनोहर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। जहां वो आज दोपहर में विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का, जो कि आ रही है राजधानी जयपुर से।
वक्त की अगली बड़ी खबर, जिंदगी की जंग हारा हेड कांस्टेबल रणजीत, सीकर में हुआ था एक्सीडेंट, एसएमएस में उपचार के दौरान हुई मौत, रणजीत ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं से करवाया था मुक्त, अकेला ही हथियारबंद बदमाशों से भिड़ा था रणजीत। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां जिंदगी की जंग हार चुका है हेड कांस्टेबल रणजीत। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत, रणजीत ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं से करवाया था मुक्त और अकेले ही हथियारबंद बदमाशों से भी भिड़ा था हेड कांस्टेबल रणजीत। आपको बता दें कि सीकर में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जब इसके कारण आज उन्होंने एसएमएस में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दीपक चावला। जी दीपक, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह की मौत हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अक्षी, 16 तारीख को ये सीकर में हादसा हुआ था, काफी तेज टक्कर हुई थी, कार से अपने परिवार के साथ हेड कांस्टेबल रणजीत जा रहे थे, इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। उस दौरान वहां पर सीकर में एडमिट कराया गया था, चूंकि मामला काफी गंभीर था, गंभीर हालत में जयपुर में रेफर किया गया था। कल रात को करीब 3 बजे इलाज के दौरान रणजीत ने जो है दम तोड़ दिया है। हेड कांस्टेबल है, चूरू में पोस्टेड है और कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस ने एक होनहार जो हेड कांस्टेबल है उसे खो दिया है। 2016 में इस हेड कांस्टेबल ने काफी एक सराहनीय काम किया था, जिसके अंदर अपहरणकर्ता जिनके पास हथियार भी थे वो बीकानेर की तरफ जा रहे थे, तब इस हेड कांस्टेबल को सूचना मिली, तब इसने हथियार उनके सामने थे, उन बदमाशों के पास थे, लेकिन इसके पास केवल सिर्फ डंडा था, लेकिन एक डंडे से पूरे अपहरणकर्ताओं को इन्होंने भगा दिया था और उसका नतीजा ये रहा था कि बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लिया था, अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ा लिया था। तो एक सराहनीय काम था, काफी बहादुरी के काम इन्होंने किए, कई सारी बड़ी वारदातों में खुलासा भी किया, अहम रोल निभाया है। तो इस खबर के बाद राजस्थान पूरे महकमे में, खासतौर पर जो चूरू और सीकर जो रेंज है वहां पर काफी दुख की लहर है और कह सकते हैं कि आज एक होनहार जो हेड कांस्टेबल है उसकी हादसे में मौत हो चुकी है। फिलहाल जो पुलिस है वो स्थानीय पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी दीपक, अब उनके जो हेड कांस्टेबल है उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है अभी इस वक्त? देखिए आपको पता है कि काफी दर्दनाक ये हादसा है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तो उसमें इनकी पत्नी और बच्चे भी थे, हालांकि गनीमत ये रही कि जो बच्चे और जो परिजन है उनको ज्यादा चोट नहीं आई है, वो उनको सीकर में एडमिट किया गया। जैसे ही ये खबर उनके परिजनों को मिली है तो कहीं ना कहीं दुख का पहाड़ जो है वो उन पर टूट चुका है और उनका जो परिजन है उनका रो रोकर बुरा हाल है। अब जिस वाहन से टक्कर हुई थी वो इसमें पूरा वो उसकी जांच कर रहे हैं, वो फिलहाल कह सकते हैं कि वो फरार बताया जा रहा है, स्थानीय पुलिस उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और जो एक्सीडेंट की धाराएं होती है, जो एक्सीडेंट का मामला था उनमें पूरा मामले की जांच की जा रही है और जो फरार है, जो हिट एंड रन का मामला है उसकी तलाश शुरू जारी है। फिलहाल कह सकते हैं कि एक होनहार हेड कांस्टेबल है उसे राजस्थान पुलिस ने खो दिया है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जो हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह थे उनकी आज मौत हो चुकी है, एसएमएस में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि सीकर में हुआ था एक्सीडेंट। चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर पर। इस वक्त की अगली बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में एक ही दिन में 6 नाबालिग हुई लापता। राजधानी के अलग अलग थानों में अपहरण का मामला हुआ दर्ज। पुलिस सभी को तलाश करने का कर रही है प्रयास। भोपाल में एक ही दिन में लापता 6 नाबालिग। आपको बता दें कि पुलिस सभी की तलाशी करने में जुटी हुई है। भोपाल में एक ही दिन में लापता हुई 6 नाबालिग। राजधानी के अलग अलग थानों में अपहरण के मामले हुए हैं दर्ज। पुलिस सभी को तलाश करने के कर रही है प्रयास।
बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां एक ही दिन में 6 नाबालिग लापता हो चुके हैं। आपको बता दें राजधानी के अलग अलग थानों में अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं, जहां पुलिस सभी को तलाश करने का प्रयास कर रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना में भी भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के कार्यों का जायजा भी लिया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह गंभीरता से वो जो वहां के विकास कार्य हैं उनका जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 2013 में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में केदारनाथ के कार्यों का जिम्मा लिया था, जिसके बाद आज वो वहां के कार्यों का जायजा ले रहे हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री चौथी बार आज केदारनाथ पहुंचे हैं। बता दें कि केदारनाथ में दर्शन करने के बाद आज प्रधानमंत्री ध्यान गुफा में ध्यान लगाएंगे, जिसके बाद कल यानी कि 19 मई को प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे। पीएम मोदी आपको बता दें 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां बाबा केदार के दर्शन करने के बाद कल वो बद्रीनाथ में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में रुद्राभिषेक कर देश की खुशहाली के लिए मन्नत भी मांगी, तो वहीं इसके साथ ही वो केदारनाथ में शाम की आरती में भी हिस्सा लेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन भी किए, तो क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं उनकी इस यात्रा के? देखिए, जिस तरीके से जो है पूरा उनका चुनाव में व्यस्तता रही है, लगातार जो है मेरठ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो है चुनावी रैली का आगाज किया था, उसके बाद से कल अंतिम चरण का मतदान होना है,
और उससे पहले जो है ये इसको कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस या लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी की जो एक स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के तहत ये जो है नरेंद्र मोदी जी का दौरा है आज। बल्कि यहाँ पे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं वो भी जो है एक धार्मिक स्थल पे बड़े धार्मिक स्थल पे गए हैं, वो भी पहुंच गए हैं। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पूरा जो है एक हिस्सा एक स्ट्रेटजी का भी बना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और लगातार पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री 5 साल में बने वो तब से तीसरी बार उनका ये दौरा हुआ है और चुनाव के टाइम पे इससे पहले भी इस वर्ष भी जो है 2 बार वो पहले भी आ चुके हैं। और जिस तरीके से आपदा के बाद से ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे एक तरीके से जो अस्थिरता का माहौल हो गया था, जो पर्यटन को थोड़ा सा कम बढ़ावा मिल रहा था उसको लेकर के इनके लगातार जो उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर ये पूरे प्रोजेक्ट को लिया तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है जब लगातार वो नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों में अपने संबोधन में भी कह चुके हैं कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, विशेष उनकी आस्था है, यहाँ की देवभूमि है, यहाँ के कणकण में जो है भगवान का वास है, प्रकृति की सौंदर्य और अनुपम सौंदर्य है। तो इन तमाम चीजों को देख करके नरेंद्र मोदी ने इस केदारनाथ आपदा के बाद से केदारनाथ और बद्रीनाथ को जो है ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर लिया कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे जो तमाम चीजें हैं उसको दुरुस्त कैसे किया जाए, उनमें कैसे बेहतर कर दिया जाए, तमाम देश दुनिया के लिए कैसे ये जो है चार धाम यात्रा को बेहतर बनाया जा सकता है, केदारनाथ के बद्रीनाथ के दर्शन के लिए कैसे अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है और इस पर हम लोगों ने कई बार पूरी मीडिया ने देश की मीडिया ने इस पर तमाम बार चर्चा भी करी है। लेकिन मामला जो कि चुनाव का है और इस समय चुनाव जोरों पे है, कल अंतिम चरण का प्रचार है, जो है मतदान होना है, उससे पहले यहाँ पे आना और जो प्रधानमंत्री का ऐसी जगह पे आना और यहाँ पे वो अगर राजनीतिक मायने उसके ना निकाले जाएं तो ये भी जो है ऐसा संभव नहीं है। और उनका आना ये सुर्खियां बटोरता है उसी वहीं पे। अगर ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम जो हरीश रावत है उनसे लगातार जो मीडिया वो बयान दे रहे हैं, लगातार वो अपने ट्विटर पर हैंडल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि जो है वो अपना 5 सालों के जो उनके कार्यकाल है उसके माफी के लिए आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक तंज कसे जा रहे हैं विपक्षियों के द्वारा, विपक्ष पार्टियों के द्वारा। लेकिन ये कुल मिला करके अगर हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके बात करें तो उनके यहाँ आने के जो भी राजनीतिक मायने निकाले जाएं वो एक दूसरा हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं पर्यटन को, क्योंकि चार धाम की यात्रा चल रही है, कल ही जो है 40,000 के आसपास श्रद्धालु आए हैं चारों धामों में और उनका यहाँ रात्रि विश्राम करना प्रदेश के पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण है और बहुत ही जो है फायदेमंद जो है उनका आना है। जी भूपेंद्र जी, जैसा कि हमने देखा था कि आज सोमनाथ में भाजपा के जो अध्यक्ष अमित शाह उन्होंने पहले दर्शन किया, उसके बाद केदारनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए। तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा है, तो इस इनके दौरे को लेकर क्या महत्व माना जा रहा है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ये जो दर्शन करने पहुंचे हैं? देखिए ये पहले से ही ये पूर्व नियोजित था कि चुनाव का जो है अंतिम चरण 7 तारीख 19 मई को होगा और उससे पहले जो है प्रचार जो है कल थम गया है, यहाँ पे आया है। तो जिस तरीके से चुनावी भाग दौड़ और जो चुनावी सरगर्मियां रही हैं, चुनाव का जो तमाम तनाव और दबाव था उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो है हमें लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो तमाम रणनीतिकार हैं, तमाम स्ट्रेटजी मेंटेन बनाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना अपने आप हमारे दोनों शीर्ष नेताओं ने पूरी चुनाव की कमान संभाली है, पूरा इन्होंने इतना जो है तनाव को झेला है। तो कहीं वो धार्मिक स्थल, ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाके कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, हर जो है लोग को, जो व्यक्ति को जो सुकून का थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और मोदी जी का पहले से ही यहाँ पे जो है तमाम बार आना हुआ है, आगमन हुआ है, तो निश्चित तौर पे कि जो है तनाव, चुनाव का थोड़ा तनाव भी हम कह सकते हैं कि यहाँ कम हो सकता है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व भी है तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे, ऐसे जो है मौके पे अगर वो यहाँ आए हैं तो दोहरा लाभ कहें तो ये गलत नहीं होगा। स्वाति जी, भूपेंद्र जी, आपकी वहां से जनता से बातचीत हुई कि जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर? देखिए अगर हम बात करें जनता की तो जाहिर सी बात है जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे किसी स्थान पर हो या किसी धार्मिक बड़े स्थल पर हो, तो थोड़ी बहुत परेशानी और दिक्कत जो है जनता को उठानी पड़ती है। तमाम चूंकि इस टाइम यात्रा भी चली रही है और जिस तरीके से तमाम जो हरिद्वार और ऋषिकेश से तमाम लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको थोड़ा सा रोका गया है। जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा का भी पावन पर्व है, माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कल रात से ही जो है रूट डायवर्जन कर दिया गया था। आज सुबेरे से जो है तमाम जो शहर में आने वाली गाड़ियां हैं उनको कर दिया गया, तो जो श्रद्धालु अन्य स्थानों से आ रहे थे उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही लेकिन हालांकि पुलिस पूरी अपनी जो है मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात है, ये भी हमने देखा कि अगर पीएम के कार्यक्रम को लेकर के जो है जिस तरीके जो रूट थे, या जो केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें,
या हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पे रूट डायवर्जन किया गया, भारी संख्या में पुलिस बल वो किया गया, लेकिन यात्रियों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, वो तमाम बोले यात्री वो उतने उत्साहित उल्लासित हैं कि वो भले ही ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ यात्रियों को, कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके उत्साह और उनकी आस्था के सामने जो है वो थोड़ी दिक्कतें परेशानी कुछ कम होती दिखाई देती है कि उनको ये है कि चलिए नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हैं तो एक उनको भी लग रहा है कि एक ये डबल मौका, उनको दोहरा लाभ मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी के भी आने से जो थोड़ा सा वीआईपी चीजें हैं, जो सड़क है, सुरक्षा है, इंतजाम है, स्वास्थ्य के प्रति जो तमाम चीजें प्रदेश सरकार की तरफ से या मंदिर समिति की तरफ से बनाई गई हैं वो और अलर्ट हो गई हैं और दुरुस्त हो गई हैं, तो तमाम श्रद्धालु जो वहां पे हैं इस समय उनसे जो बात हुई उनका ये भी कहना है कि चलिए कम से कम इसी बहाने कुछ चीजें और बेहतर हो गई हैं। जी स्वास्थ्य जी भूपेंद्र, आप इस खबर पर तमाम नजरें रखिएगा, आप फिलहाल आपके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने देश की खुशहाली के लिए अपनी मन्नत भी मांगी है। तो वहीं अगर बात करें कल की, तो कल 19 मई को वो बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।